हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस शायरी स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की शायरी स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में 3,59,000 लाइक आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी खुद की फ़ोटो से कुछ इस तरह की डबल एक्सपोजर शायरी स्टेटस वीडियो बनाकर डालेंगे तो आपकी वीडियो भी ज़रूर यहाँ पर वायरल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है कान मास्टर। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नॉन रेसोसिस्टी के साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो को या वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। इस तरह से गाइस हम वॉलपेपर को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पैन एंड जूम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको वॉलपेपर को जूम कर लेना है। इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में वॉलपेपर को जूम करना है। गाइस यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींच कर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो लग जाएगी। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है की कलर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ग्रीन कलर को इसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींच कर ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको सारी वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको अच्छे से वॉलपेपर में सेट कर लेना है। इस तरह से आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेट करना है। गाइस आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक डबल एक्सपोजर वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डबल एक्सपोजर वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ से आपको की कलर में ग्रीन कलर को इसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी डबल एक्सपोजर वीडियो कुछ इस तरह से लग चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन के लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से गाइस आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। गाइस आपको वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही गाइस हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो गाइस आप इसी तरह से टिक्की ऐप के लिए डबल एक्सपोजर शायरी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।